आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मिसी शाह के इलाके में फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम शहबाज शाह उर्फ पिस्टल शाह और आसिम शाह ने बोतल के पैसे मांगने पर फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में 6 अफराद जख्मी हो गए। मुलजिमों के कब्जे से असलहा भी बरामद हुआ है। ये वाकया पेश आया है मिसी शाह के इलाके में फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम शहबाज शाह उर्फ पिस्टल शाह और आसिम शाह ने बोतल के पैसे मांगने पर फायरिंग की है। फायरिंग के नतीजे में 6 अफराद जख्मी हो गए। मुलजिमों के कब्जे से असलहा भी बरामद हो चुका है। मुलजिम के कब्जे से असलहा बरामद हुआ है जबकि फायरिंग के नतीजे में 6 अफराद जो है जख्मी हुए हैं। ये वाकया पेश आया है लाहौर के इलाके मिसी शाह के इलाके में फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम शहबाज शाह उर्फ पिस्तौल शाह और आसिम शाह ने बोतल के पैसे मांगने पर फायरिंग की और फायरिंग के नतीजे में 6 अफराद जख्मी हो गए जबकि मुलजिमों के कब्जे से असलहा भी बरामद हुआ है। पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है और इन मुलजिमान के कब्जे से असलहा भी बरामद हुआ है। इन मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वाकया पेश आया है लाहौर के इलाके मिसी शाह में जहां पर बोतल के पैसे मांगने पर यह लड़ाई हुई है जिस पर फायरिंग की गई है और मुलजिम शहबाज शाह उर्फ पिस्तौल शाह और आसिम शाह ने बोतल के पैसे मांगने पर फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में 6 अफराद जख्मी हो गए। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज मलिक मुश्ताक से। जी मलिक मुश्ताक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चंद ही रोज पहले लाहौर के मिसी शाह के इलाका इस्लाम गंज में 6 अफराद को जख्मी करने वाले मुलजिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें मुलजिमान पिस्तौल शाह और आसिम शाह शामिल थे जिन्होंने फायरिंग करके 6 लोगों को मौके पर जख्मी किया था। जख्मी होने वालों में 22 साल सैफ अली, 52 साल नदीम, 26 साल हनीफ, 13 साल अनान, 58 साल मोहम्मद अली और 12 साल अली भी शामिल थे। पुलिस मौके पर पहुंची थी और उसके बाद इलाका वकीलों ने बताया कि यहाँ पर फायरिंग करने वाले जो लोग हैं वो मौके से फरार हो गए हैं। जबकि मिसी शाह पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों मुलजिमान को पकड़कर ना सिर्फ उन पर मुकदमा दर्ज किया है बल्कि उनको हवालात में बंद कर दिया है। जी सही, बहुत शुक्रिया मलिक मुश्ताक अपडेट करने के लिए।